दोस्तों मोबाइल फोन तो हम सभी यूज करते होंगे और सिम तो सबने डाली होगी। अगर मोबाइल फोन है तो उसमें आजकल 4G का जमाना है जियो के कारण, तो हम डाटा भी अच्छे से यूज करते हैं। लेकिन क्या हम पता आपको पता है पहले 2G और 3G टेक्नोलॉजीज और अब जो हम 4G यूज कर रहे हैं उनमें डिफरेंस क्या था? वो पहले के मुकाबले अब वाली टेक्नोलॉजी बेटर क्यों है? तो और 4G LTE और VoLTE में क्या डिफरेंस है? आज मैं इस वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करूंगा। हेलो नमस्ते शशिकांत दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं टर्बनेटर। दोस्तों जब 2G का कंसेप्ट आया था, 2G अपना सिम आई थी, उसमें यह कंसेप्ट था कि हम 2G को सिर्फ अपनी वॉइस कॉल के लिए यूज कर सकते थे। उसमें हमारा कोई डाटा ट्रांसफर या कोई हम इंटरनेट की स्पीड ब्राउज वगैरह नहीं कर सकते थे। लेकिन बाद में हमें लेटर एक पैकेट स्विचिंग आई जो कि जिसने 2G को अडॉप्ट किया ताकि हम डाटा ट्रांसफर को यूज कर सके इन द फॉर्म ऑफ GPRS। अब GPRS क्या था? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अब GPRS के यूज के थ्रू हमने डाटा भी एक्सेस कर पाए 2G टेक्नोलॉजी में। उसके बाद थोड़ी और एनहेंसमेंट हुई, उसमें और बदलाव लाए गए ताकि और इम्प्रूवमेंट हुई, ताकि डाटा स्पीड थोड़ी बढ़कर मिले उस इसलिए इसके बाद डेवलपमेंट हुई एज की। जो एज थी वो GSM टेक्नोलॉजी को एनहेंस करती थी, उसकी क्षमता को बढ़ा देती थी, जिससे हमें 1 Mbps। हाँ जी दोस्तों, बिट्स यूज हुआ इसमें, बट उसका ध्यान रखिएगा कई बार बिट्स और बाइट्स कई लोग कंबाइन कर देते हैं और सोचते हैं बिट्स और बाइट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन टेक्निकल वे में देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है बिट्स और बाइट्स में। अब 1 Mbps की स्पीड ये प्रोवाइड करता था। अब जो हमें 2G और 3G टेक्नोलॉजी में पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग का कंसेप्ट था, और जो हमारा 4G LTE था उसमें था सिर्फ पैकेट स्विचिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों जो सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हैं दूसरे पर्सन को, अब आपने कॉल लगाई, दूसरे पर्सन ने कॉल उठाई, वो जो कॉल उठाई और आपको जो लिंक बना वो एक लाइन के थ्रू इस डायग्राम में आप देखेंगे तो रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि एक डायरेक्ट लिंक है। एक पर्टिकुलर बैंडविथ यूज हो रही है, जब तक वो कॉल रहेगी वो बैंडविथ रहेगी, तब तक आप बात कर सकते हैं। अब पैकेट स्विचिंग में ये होता था, पैकेट्स बनाए जाते थे जो आप ट्रांसफर कर रहे डाटा या जो भी आप बात कर रहे हो पैकेट्स में डिवाइड होके भेजा जाता था। अब जो आपको पैकेट्स वाले पैकेट स्विचिंग में आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो पैकेट स्विचिंग अगर आप कॉल कर रहे किसी दूसरे पर्सन को, जैसे सपोज आपने बोला हाय माय नेम इज विक्रम, अब उसमें पैकेट स्विचिंग में सपोज कर रहे हैं, वैसे ऐसा होता नहीं, हाय अलग पैकेट बन गया, माय अलग, नेम अलग और विक्रम अलग। अब ये चार पैकेट्स बन गए, अब ये ट्रांसफर होंगे। कई बार ये भी पर्टिकुलर बैंडविड्थ को यूज करता है अपना डाटा ट्रांसफर या कॉल ट्रांसफर के लिए, तो इसमें आपके पैकेट जाएंगे दूसरे यूजर को, पहले सुनेगा हाय, कई बार दूसरे पैकेट को आने में टाइम लग जाता है इसलिए वो सोचेगा आवाज क्यों नहीं आ रही पीछे से, तो बाद में थोड़ी देर बाद उसको सुनेगा माए ऐसे। तो ये 4G LTE इस कंसेप्ट को यूज करता था, इसी के कारण वो ज्यादा रिलायबल नहीं था क्योंकि उसमें टाइम डिफरेंस आ जाता था। वॉइस में कई बार पहले सुन जाती थी, कई बार बहुत लेट सुनती थी, तो इसी कारण ये ज्यादा रिलायबल नहीं था। अब इसमें LTE की फुल फॉर्म थी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। LTE वैसे बेसिकली हमारा पहले जो डाटा ट्रांसफर के लिए अडॉप्ट किया गया था। अब डाटा ट्रांसफर ऐसे भी, अब अगर LTE पे हम कॉल के थ्रू हम कॉल करते थे तो ये आपको लगता होगा पहले कि हाँ भाई LTE के थ्रू कॉल हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। जो कॉल होती थी वो बैक ट्रांसफर हो जाती थी, 2G और 3G टेक्नोलॉजी को यूज करके कॉल करते थे, जो कि LTE का इसमें कोई यूज नहीं आता था। ये सिर्फ आपका जो डाटा मतलब ब्राउजिंग वगैरह का डाटा प्रोवाइड करता था, और जो कॉल होती थी वो 2G और 3G के तरह ही होती थी। लेकिन उसके बाद आया VoLTE, जो VoLTE की फुल फॉर्म है वो है वॉइस ओवर LTE, मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। अब ये इसमें LTE की एनहेंसमेंट हुई, इसका मतलब है कि हम 4G अगर VoLTE यूज कर रहे हैं उसमें हम कॉल्स भी कर सकते हैं 4G के थ्रू। उसमें हमें HD कॉल्स का एक्सपीरियंस होगा, हम वीडियो कॉलिंग भी अच्छे से कर सकते हैं, और जो हमारी जो बैटरी है वो उसकी कंजप्शन भी बहुत ज्यादा कम होगी, जो 4G LTE और VoLTE में डिफरेंस है और उसके मुकाबले।
और ये पहले से ज्यादा बेटर कंसेप्ट था 4G वोल्टी की, और इसका हम आप सब यूज ही करते हैं आजकल, और स्मार्टफोन पे भी वोल्टी आ चुका है। तो LTE और वोल्टी में यही डिफरेंस था कि LTE में सिर्फ डाटा ट्रांसफर किया जाता था, और अगर आप कॉल करते थे तो वो 2G और 3G ऑपरेटर से कॉल होता था। लेकिन 4G वोल्टी में एनहेंसमेंट हुई, उसको और बेहतर बनाया गया ताकि हम 4G पे ही HD कॉल्स को एक्सपीरियंस कर पाए और बेटर दूसरे को अच्छा सुने, हमें अच्छे से सुन रहा है, कोई लैग वगैरह नहीं आ रहा, तो हमारी कॉल्स अच्छे से ट्रांसफर हो पाए। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जाने से पहले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी हर वीडियो के साथ अपडेटेड रहें जब भी मैं इसे अपलोड करूं। धन्यवाद दोस्तों।